हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अश्मिति कुक फैन फिक्शन व्हेन ही हैज नाइट स्टैंड विद ए स्ट्रेंजर बॉय का पर से किस स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। टंग पूरी तरह से फंस गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो असल में क्या करेगा। उसकी प्लान पूरी तरह से बेकार चल गया है और उसके साथ मिसेस जोन आकर उसकी प्लान को पूरी तरह से ख़राब कर दिया है। अब उसे क्या सीरियसली जंगुक के साथ शादी करना होगा एक बिट्स के साथ? ये इम्पॉसिबल है। अगर टांग ने ऐसा किया तो फिर वो श्योर है वो कभी भी शायद बेड से उठ भी नहीं पाएगा और जंगुक उसे एवरी नाइट डिस्ट्रॉय करेगा। पर टांग ऐसा हस्बैंड नहीं चाहता है, जो पहले तो उसे वार्निंग करता है और उसके बाद उसके साथ नाइट स्टैंड करने के लिए फोर्स करता है। बल्कि टांग ऐसा हस्बैंड चाहता है जो रोमांटिक हो, उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं है, वो खुद भी उसके साथ रहेगा, वो भी रोमांटिक तरीके से। पर इस तरह से ब्लैकमेल करके, डरा कर, धमका कर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और जंगुक ठीक ऐसा ही था, जिस वजह से तंग सच में डर रहा था। रात के 9 बजे जंगुक जो अपने केबिन से जब बाहर आता है तब वो देखता है तंग जो अभी भी अपने वर्क कर रहा था। तब जंगुक तंग के केबिन के पास जाता है और तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है चलो घर में जाना है। तब तंग तुरंत जंगुक की तरफ देखता है और तुरंत कहता है नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे इस फाइल को कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही मैं जाऊंगी। तब ये सुनने के बाद जंगुक गुस्से से कहता है चुपचाप मेरे साथ चलो और ऑलरेडी लेट कर लिया हो, हम लोगों को 8:30 बजे यहाँ से बाहर निकलना था। तब तंग थोड़ा कन्फ्यूज था। तब जंगुक कहता है तुम्हें मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तुम इस घर में जा सकते हो। तब ये सुनने के बाद तंग और भी ज़्यादा शौक था, पर वो थोड़ा सा खुश हो जाता है और तुरंत जो अपनी लैपटॉप को बंद करके तुरंत कहता है ठीक है चलो मैं जाऊँगी। तब जंगुक उसकी तरफ अपने आईब्रोज रेस करके देखने लगता है। तब तंग कहता है चलो तुम तो मुझे लिफ्ट देने वाले थे ना। तब जंगुक कहता है हाँ ठीक है चलो, और ये कहकर जंगुक जो तंग को उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए चला जाता है। वो लोग जब वहाँ पर जाता है तब तंग जंगुक को कहता है अब जबकि हम लोग पहुँच गए हैं तो फिर तुम अब यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें यहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनने के बाद जंगुक कहता है चलो तुम्हें एक बार क्यों ना घर के अंदर तक ही छोड़ कर आते हो। तब ये सुनने के बाद तंग और भी ज़्यादा शौक था और कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर के लोगों को मेरे क्यों घर में लेकर आऊँगी, तुम्हें मैं मेरे घर तक आने दिया हो यही बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तब ये सुनने के बाद जंगुक कहता है ठीक है अगर तुम सच में मुझे लेकर नहीं जाना चाहते हो कोई बात नहीं, तुम खुद ही जा सकते हो, और ये कहकर जंगुक केवल इस्तेमाल देता है। तब ये देखने के बाद तंग थोड़ा सा डर जाता है पर वो चुपचाप अपने घर के डोर के पास चला जाता है और डोर बेल बजाने लगता है। तभी डोर ओपन हो जाता है पर तंग अपने सामने के इंसान को देखकर पूरी तरह से डर जाता है और कहते हैं मिसेस जोन। तब मिसेस जोन से स्माइल करता है। तब तंग जो तुरंत शॉक होकर पीछे की तरफ देखता है। तब तंग देखता है जंगुक अभी भी एक स्माइल के साथ तंग की तरफ ही देख रहा था। तब तंग समझ पाता है ये सब कुछ जंगुक के ही प्लान था और वो जंगुक की तरफ बहुत ही गुस्से से देखने लगता है। तब मिसेस जून कहते हैं अरे जंगुक उतनी ज़्यादा दूर क्यों खड़े हुए हो, जल्दी से घर के अंदर आ जाओ, डिनर करना नहीं है क्या तुम्हें? तब जंगुक कहते हैं यस मॉम मैं आ रही हूँ, और ये कहकर जंगुक तंग के पास चला जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं चलो स्वीट हार्ट अंदर जाते हैं। तब तंग जंगुक के हाथ को सुटने की कोशिश करता है पर जंगुक नहीं छोड़ता है। तब तंग मिसेस जून के सामने कोई भी रूड बिहेवियर भी नहीं दिखाना चाहता था, इस वजह से वो जो थोड़ा सा चुप था। फिर वो लोग जब अंदर जाता है तब तंग और भी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि ऊपर अंदर उसके मॉम डैड मिस्टर जून के साथ स्माइल करके बातें कर रहा था। तब तंग ये देखने के बाद डरते हुए कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? तब जंगुक कहते हैं क्यों भूल गए हो, आज ही तो तुम्हारी प्लान था ना हम दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म करने के लिए, अब देखो सब कुछ ख़त्म हो रहा है और न्यू एक स्टार्ट होने वाला है। तब तंग कहते हैं तुम सच में एक साइको हो, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम कितने लोगों को ऐसे ब्लैकमेल किया हो? तब जंगुक तंग की तरफ देखकर थोड़ा सा सोचने की एक्टिंग करता है, फिर कहते हैं शायद मैं एक ही इंसान को ऐसे ब्लैकमेल कर रही हूँ। तब तंग कुछ कह पाता, उसके पहले मिसेस किम कहते हैं तंग जाओ और जाकर रेडी होकर आओ, देखो मिस्टर जोन और मिसेस जोन तुम्हें देखने के लिए आए हैं। तब ये सुनने के बाद तंग शौक होकर कहते हैं मॉम अब क्या बकवास कर रहे हैं? तब मिसेस किम कहते हैं मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी तरह से सच कह रही हूँ। तब तंग कहते हैं
मैं सिर्फ आज ही घर में लौटा हूँ, वो भी कितने दिनों के बाद। मैं वर्क पर कितने ज़्यादा बिजी था, पर फिर भी तभी मिसेस किम उसे काट करके आए थे। हम लोग जानते तुम किस वर्क पर बिजी थे, जंगुक ने हम लोगों को सब कुछ बताया है। तुम दोनों लबर हो तो फिर ये सारे एक्टिंग करना बंद करो। हम दोनों ही तुम लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, तुम्हारी डैड भी मान गया है, तो फिर अब भूल जाओ और चुपचाप जाकर रेडी होकर आओ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी सुनने के बाद टैंग को फिर से और एक झटका लग जाता है और वो फिर से शौक होकर जंगुक की तरफ देखता है। तब जंगुक स्मार करके कहते हैं, जाओ स्वीटहार्ट, देखो तुम्हारी हबिया वेट कर रहा है तुम्हारे लिए। तब टैंग गुस्से से जंगुक की तरफ देखते हुए कहते हैं, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे साथ बातें करना है। तब ये सुनने के बाद मिसेस किम कहते हैं, फिर से स्टार्ट मत हो जाना, यहाँ पर हम सब लोग तुम लोगों के लिए वेट करेंगे, जल्दी से वापस आ जाना। तब टैंग गुस्से से कहते हैं, मॉम प्लीज़। और ये कहकर टैंग जो जंगुक के हाथ को पकड़ रहे सीधा उस ऊपर अपने रूम में लेकर जाता है। तब जंगुक स्मार करके कहते हैं, तुम इतनी ज़्यादा बेतबली क्यों हो रहे हो, सिर्फ एक दिन ही तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के बारे में नहीं सोच रही हूँ और तुम अभी से इतने ज़्यादा क्रेजी बन रहे हो। सच में तुम क्या मेरे लिए इतने ज़्यादा क्रेजी हो गए हो? मैं क्या तुम्हें सच में मेरे लिए इतनी ज़्यादा पागल कर दिया हूँ? तब ये सुनने के बाद टैंग गुस्से से कहते हैं, हाँ तुम मुझे पागल कर दिया हो, पर मैं तुम्हारे लिए पागल नहीं हुआ हूँ, मेरी दिमाग खराब कर दिया हो तुम। तब इस सुनने के बाद जंगुक कहते हैं, पर मैं कैसे दिमाग खराब कर दिया हूँ? तब टैंग कहते हैं, हम लोग कब ये सब कुछ किए थे, हम लोग कब लबर बने थे? मुझे जितना दूर याद है हम लोग कभी भी लबर नहीं थे, तो फिर ये सारे झूठे बातें क्यों? मैं अभी जाकर सब कुछ सच बोलूँगी और यहाँ पर ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और मैं उस कॉन्टेक्ट के बारे में ही बोलूँगी जो तुम मुझे धोखे से साइन कराए थे। तब जंगुक जो टैंग के बेड पर बैठ जाता है और एक किंग की तरह जंगुक टैंग की तरफ देखता है और स्मार करके कहते हैं, ठीक है जाओ और जाकर बोल दो। ऐसे भी मैं तो जानती हूँ कि उन लोगों के सन कैसा है, एक अननोन बॉय के साथ अगर नाइट स्टैंड कर सकता है तो फिर आगे जाकर क्या क्या हो सकता है। और मिस्टर किम और मिसेस किम शायद ये बात को सह नहीं पाएगा कि उन लोगों की इतनी ज़्यादा अच्छा बॉय अचानक से ही इतनी ज़्यादा बिगड़ गया है, जो अननोन पर्सन के साथ नाइट स्टैंड करने के लिए बेतबली से रह रहा था और उसके साथ इतने टाइम से वही अननोन पर्सन के साथ इंटीमेट हो रहा है, और इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है? सच में अगर मैं भी तुम्हें छोड़ दूँगी तब तुम्हारी हालत क्या होगा, तुम क्या सोच सकते हो? अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर टाइम है, जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। और ये कहकर जंगुक टैंग की तरफ देख कर एक केवल इस्तेमाल के साथ उसके लिप्स पर पिक करता है। तब टैंग जो जंगुक की बातों को सुनकर पूरी तरह से शौक में चला गया था, पर वो तुरंत ही अपने सेंस में आ जाता है। तब जंगुक तुरंत ही टैंग के रूम से बाहर चला जाता है। तब टैंग जो अपने सेंस में आ जाता है और चिल्ला करके आया था, मैं सच में क्या क्या था उस दिन, मैं क्या डंक हालत में थी कि मैं उस जून जंगुक के साथ नाइट स्टैंड किया था? मैं रिग्रेट कर रही हूँ उसके साथ नाइट स्टैंड करने के लिए, इससे अच्छा कि मैं कोई प्ले बॉय के साथ नाइट स्टैंड कर लेती, कम से कम वो भी याद नहीं रखता, मैं भी याद नहीं रखती और मैं खुशी से रह पाती। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो जीवन जंगुक के साथ इंटीमेट होना था, मैं सच में एक फूल हूँ। और ये कहकर टैंग जो खुद के ऊपर ही चिल्लाने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद टैंग जो रेडी होकर नीचे वापस आ जाता है। तब मिस्टर जीवन जो टैंग को देख कर कहता है, जंगुक सच में तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा है। तब जंगुक संभाल करके कहते हैं, क्योंकि मैं जीवन जंगुक हूँ और मेरी स्वास्थ्य हमेशा अच्छा ही होता है। तब मिसेस किम जंगुक को टिस करते हुए कहते हैं, अभी से मेरे सन के लिए इतने ज़्यादा फील करते हो? तब जंगुक टैंग की तरफ देखते हुए अपने लिप्स को लिक करते हुए कहते हैं, बहुत ज़्यादा फील करती हूँ। तब इस सुनने के बाद जंगुक की तरफ टैंग और भी ज़्यादा हिट से देखने लगता है, पर जंगुक क्या नहीं करता है। फिर कुछ मिनट तक बातें करने के बाद मिस्टर किम कहते हैं, चलो अब डिनर करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे की बातें भी कर सकते हैं। तब ये सुनने के बाद जो सब लोग हाँ कह देते हैं और उसके बाद डिनर करने के लिए चला जाता है। पर टैंग बिल्कुल भी खुश नहीं था और टैंग जंगुक के पास ही बैठा हुआ था। तब जंगुक अपने हाथ टैंग की थाइस के पास लेकर जाता है और उसकी थाइस को मसाज करने लगता है। तब टैंग जिसे देखने के बाद और भी ज़्यादा इरिटेटेड हो जाता है और अपने फूड को बहुत ही गुस्से से खाने लगता है। फिर डिनर ख़त्म होने के बाद सब लोग हॉल रूम में बैठ जाता है और बातें करना स्टार्ट कर देता है। तब मिस्टर जीवन जो जंगुक को कहते हैं, जंगुक तुम कब शादी करना चाहते हो? तब जंगुक कहते हैं, मिस्टर किम आपका क्या मानना है?
आप कब आपके सन के हाथ मेरे हाथ में दे सकते हैं? तब मिस्टर किम जो स्माइल करके क्या आए थे, जब तुम दोनों चाहते हो तब शादी कर सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे भी तुम दोनों जब के लबर हो तो फिर दोनों लबर को अलग रखने की ज़रूरत नहीं है, और मैं चाहती हूँ तुम दोनों एक साथ रहो। तब जंगकुक तुरंत कह आए थे, तो फिर मैं कल शादी करना चाहती हूँ। तब इस सुनने के बाद हॉल रूम की सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। सब लोग शौक होकर जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। तब तंग जो अचानक से क्या थे, क्या बकवास कर रहे हो जंगकुक, कल तुम क्या पागल हो, कम से कम 1 ईयर तक रुकना चाहिए, मैं 1 ईयर के अंदर कभी भी शादी नहीं करूँगी। तब इस सुनने के बाद जंगकुक उसकी तरफ बहुत ही गुस्से से देखने लगता है और अपनी कोल वॉइस में कह रहा था, तांग चुप रहो, मैं जबकि बातें कर रही हूँ तब तुम्हें सिर्फ शांत रहना चाहिए, और ये बात तुम याद रखोगे, मैं तुम्हारे हस्बैंड बनने वाले हूँ और तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने हस्बैंड की बातों को सुनकर चलना, या तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें पनिश करूँ और अभी हमारे रूम में ले जाकर तुम्हें बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करूँ। तब ये सुनने के बाद तंग पूरी तरह से चुप हो जाता है। तब मिस्टर किम और मिसेस किम ये देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि कोई तो ऐसा इंसान है जो तांग को अपने कंट्रोल में रख सकता है, और इस वजह से वो लोग जंगकुक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा था। तब मिस्टर किम कहते हैं, तो फिर जंगकुक तुम जैसा चाहते हो, कल तुम शादी के लिए ये सब कुछ कर सकते हो, पर हम लोग सच में सोच रहे थे कि हमारे एक लौती सन की शादी हम लोग बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से देंगे, पर अब तो ऐसा लगने लगा है कि हम लोग दे भी नहीं पाएंगे। तब जंगकुक कहते हैं, हम लोग हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाएंगे, तो फिर ये क्या काफ़ी नहीं होगा? तब मिस्टर किम जो हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। तब मिस्टर जियोन कहते हैं, तो फिर इतनी ज़्यादा जल्दी इसमें नहीं हो रहा है? तब जंगकुक कहते हैं, मैं उससे एक दिन के लिए भी दूर नहीं रह सकती हूँ, और वो पूरी तरह से उसके मॉम डैड के हाथ से निकल गया है, जिसे मुझे ठीक करना है और उसे एक बैड बॉय से गुड बॉय बनाना है। तब ये सुनने के बाद ताऊ जो थोड़ा सा शौक था और अपने मन में क्या था, मैं हमेशा से ही गुड बॉय था, मैं कभी भी बैड बॉय नहीं था। तब जंगकुक जो स्माइल करके क्या आए थे, तो फिर मिस्टर किम मैं कल एक छोटा सा फंक्शन रखूँगी जहाँ पर सिर्फ हमारा और आपका फैमिली होगा और कुछ सिर्फ फ्रेंड ही, ज़्यादा मेम्बर नहीं होगा, सबसे ज़्यादा शायद 20 मेम्बर ही काफ़ी है। तब ये सुनने के बाद मिस्टर किम कह रहे थे, ठीक है जैसा तुम चाहते हो, अगर तुम सिर्फ पेपर लेकर भी आओगे तब भी हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। तब जंगकुक एक प्राउडली स्माइल के साथ कह रहे थे, यस मिस्टर जोन, मैं ऐसा ही करूँगी, और ये कहकर वो तांग की तरफ एक केवल स्माइल के साथ देखने लगता है। तब तांग ये देखने के बाद जंगकुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा हेट भरी नज़र से देखने लगता है। तब जंगकुक स्माइल करता है और उसके बाद अपने सिर से उठकर तांग के पास चला जाता है और तांग को अपने काम वॉइस में क्या आता है, तुम क्या ठीक हो? तब तांग कोई भी आंसर नहीं करता है। तब जंगकुक उसके पास से बैठकर उसकी फिस्ट को बहुत ही प्यार से रब करते हुए क्या आता है, मेरे ऊपर गुस्सा मत होना, मैं जानती हूँ तुम्हारी कुछ ड्रीम है, पर तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे लिए क्रेजी हूँ और तुम खुद भी हो ना, तो फिर अब इस सारे बातों को छोड़ दो, मैं तुम्हें तुम्हारी ड्रीम को पूरा करने दूंगी, मैं एक अच्छा हस्बैंड बनूंगी ना, तो फिर इतने ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखो तुम्हारी हबी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और ये कहकर जंगकुक तांग के लिप्स पर एक किस करता है। तब सब लोग जो और भी ज़्यादा प्यार से उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं, पर कोई भी नोटिस नहीं कर रहा था कि तांग कितनी ज़्यादा दुख में था, तांग ये शादी को नहीं करना चाहता है, पर सब लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे तंग नाराज़ है जंगकुक के ऊपर इसी वजह से कि जंगकुक इतनी ज़्यादा जल्दी शादी को फिक्स कर दिया है। फिर कुछ मिनट बाद तांग जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, मेरे पास से उठो, मुझे रूम में जाना है, मुझे सोना है। तब जंगकुक तांग के फोरहेड पर किस करके कहता है, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, अपने सपने में अपने हबी को ही देखना और हबी के साथ बहुत ही खुशी से रहना, हबी को ज़्यादा तंग मत करना वरना हबी तुम्हें सपने में भी नहीं सोड़ेगा। और ये कहकर जंगकुक जो अपनी फेमस बानी स्माइल दिखाने लगता है। तब तांग कहते हैं, हाँ मैं देखूंगी, और उसके बाद तांग अपने धीमे आवाज में कहते हैं, और उसके साथ मैं किक मार के मेरे सपने से भी निकाल दूंगी। और ये कहकर तांग वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक के सुनने के बाद हंसने लगता है और उसकी मॉम डैड की तरफ देखते हैं। फिर कहते हैं, मॉम डैड अब शायद हम लोगों को भी जाना चाहिए, अब बहुत ही रात हो गया है और कल हम लोग ऐसे भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तब ये सुनने के बाद मिस्टर जोन और मिसेस जोन मिस्टर किम और मिसेस किम को बाय कहते हैं। तब जंगकुक मिस्टर किम और मिसेस किम को भी बाय कहते हैं और
अपने बनी स्माइल के साथ कहे थे, मेरी ताऊ का ख्याल रखना, सिर्फ एक दिन ही है और तब तक आप लोग उसके बहुत अच्छे तरह से ख्याल रखेंगे। तब मिसेस किम कहे थे, फिक्र मत करो, हम लोग तुम्हारे चीज़ को बहुत ही संभाल कर रखेंगे। तब जंगो कहे थे, थैंक यू सो मच मॉम उसकी इतने सालों से देखभाल करने के लिए। तब ये सुनने के बाद मिसेस किम कहे थे, वो हमारा सन है तो फिर ऑब्वियसली बात हम लोगों को ये रखना चाहिए। तब ये सुनने के बाद जंगो स्माइल करके कहे थे, यस मॉम आपको रखना चाहिए और आप लोग आगे भी रखेंगे। और ये कहकर जंगो जो स्माइल करता है और उसके बाद उन लोगों को बाय कहकर अपनी मॉम डैड के साथ अपने घर में चला जाता है। जंगो घर में जाने के बाद ही उसके फेस पूरी तरह से कोल्ड हो जाता है। तब मिसेस जॉन जंगो को रोकते हुए कहते हैं, तुम सचमुच बॉय को लेकर सीरियस हो, तुम कभी भी किसी को इतने ज़्यादा प्यार से तो नहीं देखते हो, ना तो उसके साथ इतने ज़्यादा प्यार से बातें भी करते हो, तो फिर तुम लोग क्या सच में? तभी जंगो उसे काट देता है और कहते हैं, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और मैं उसे लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ और मैं मेरी लाइफ में कोई भी अब मैस नहीं चाहती हूँ। आप लोग जो भी मैस किया था मैं उससे अभी बस छूट करा पाई हूँ और मैं आगे उसे मेरी लाइफ में नहीं देखना चाहती हूँ। आप लोग जिस बॉय को मेरे लिए चूज़ किए थे वो मेरे लिए ठीक नहीं है और आप लोग खुद भी देखे हैं, तंग मेरे लिए बेटर ऑप्शन है और वही मेरे साथ रहेगा। और आप लोग भी जबकि खुश हैं तो फिर अब ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग कैसे उसे मेरी और तंग की लाइफ से दूर रखेंगे, क्योंकि मैं सच में उस स्टबन बॉय को मेरे आसपास में नहीं देखना चाहते हो। मैं नहीं चाहते हो मेरी तांग को हिट करे। तब ये सुनने के बाद मिसेस जून कहता है, फिकर मत करो मैं सब कुछ संभाल लूँगी, जबकि सब कुछ मैं ही मैस किया था। तब जंगो का अपने कोल वॉयस में कहता है, मैं भी यही होप करूँगी कि आप सब कुछ संभाल लेंगे, बन अगर मैं खुद संभालने के लिए गया तो फिर कोई भी और चिंता नहीं बसेगा। और ये कहकर जंगो जो सीधा ऊपर अपने रूम में चला जाता है, वहाँ पर जाने के बाद जंगो जाकर जो बेड पर लेट जाता है और उसके बाद अपने फ़ोन में तांग की पिक को देखने लगता है, जो बिकॉज वो अपने केबिन से छुप छुप कर तांग की पिक को उठा लिया था। और जंगकुक जो स्माइल करते हुए कहता है, सुनो तुम जितने भी ज़्यादा मुझसे भागने की क्यों ना कोशिश करो स्वीट हार्ट, पर तुम मुझसे भाग नहीं सकते हो क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारी किस्मत मेरे साथ है और कल से हम लोग ऑफिशियली हस्बैंड बन जाएंगे और उसके बाद मैं तुम और सिर्फ तुम और उसके बाद हम लोगों की लाइफ में और कोई भी नहीं आ सकता है। मैं और तुम हमेशा हमेशा के लिए एक साथ हो जाएंगे, एकदम हैप्पीएस्ट लाइफ जिएंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ तुम मेरे लिए फील रखोगे, मैं तुम्हारे लिए। और ये कहकर जंगकुक जो स्माइल करने लगता है और उसके बाद तंग की पिक पर किस करता है और तंग की पिक को देखते देखते ही आधे घंटे बाद जो कब से हो जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता है, पर वो शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि कब वो तांग को कल अपने आर्म्स में पाएगा, अपनी बेड पर पाएगा, उसके साथ खुशी ले फिर से अपने लाइफ को स्टार्ट करेगा। और जंगो किस वजह से सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और दूसरी तरफ तांग जो सो ही नहीं पा रहा था कि वो यहाँ से भागने की एक सांस तक नहीं पाया है, वो सच में यहाँ पर जंगो के साथ नहीं रहना चाहता है और अब वो भाग भी नहीं सकता है। अब ऑलरेडी रात के बहुत ही टाइम हो गया है और उसके पास कोई प्लान भी नहीं है जिससे वो यहाँ से भाग सकता है। फिर तांग अचानक से सोचता है वो क्यों नहीं भाग सकता है, उसके पास मनी है, उसके पास रहने की कोई ना कोई जगह तो ढूंढ ही लेगा, तो फिर वो क्यों नहीं भाग सकता है, उसे अभी भागना चाहिए। और तांग ये कहकर जो जल्दी से अपनी क्लोजेट के पास चला जाता है और वहाँ से मनी और कुछ कपड़े को उठा लेता है और बैग में पैक करके जल्दी से तांग जो नीचे आ जाता है और आसपास देखने लगता है कि कोई है भी यहाँ पे नहीं। तब वो देखता है उसकी मॉम डैड बहुत ही पीसफुली सो रहा था और उन लोगों के रूम की डोर लॉक था अंदर से। तब ये देखने के बाद तंग स्मार करता है और वो सोली सोली मेन डोर के पास चला जाता है। फिर वो मेन डोर को ओपन करके जल्दी से मेंशन से बाहर चला जाता है। तब तंग जो रोड से जा रहा था और खुशी से पागल हो रहा था कि वो अब अपनी लाइफ के खुद के ऑनर है, अब उसे अब किसी के लिए भी खुद को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा, कोई भी उसे ब्लैकमेल नहीं कर सकता है, अब तंग सिर्फ खुद के साथ खुद की लाइफ को एंजॉय करेगा और वो भी फ्रीडम ली। और वो ये बात भी बहुत ही अच्छी तरह से जानता है, जब कल उसे अपने रूम में नहीं पाएगा सब लोग तब ऑब्वियसली बात है ये बात जंगकुक के कान में पहुँच जाएगा और जब ये बात जंगकुक को पता चलेगा तब उसके अंदर के मॉन्स्टर पूरी तरह से जाग जाएगा जो तांग को ढूंढने के लिए हर एक हद तक जा सकता है। और अगर
वो बाय चांस ले तांग को पकड़ लिया तो फिर तांग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जंगकुक उसकी लाइफ को फिर से कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा जो तांग नहीं चाहता है। और तांग ये डिसाइड कर लिया था कि वो कल ही कांटी को छोड़ देगा, जैसे भी करके उसे सिर्फ अब अपने पासपोर्ट पर वीजा बनाना है ताकि वो यहाँ से जितनी ज्यादा जल्दी हो सके भाग सके। और तांग यही सब कुछ सोचकर जल्दी से उसकी मेंशन के पास से जितना ज्यादा दूर हो सके उतने ज्यादा दूर जाने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।